तो भैया इस सफ़र की शुरुआत जो होती है हमारे बड़े भैया से, क्योंकि हमने उनको ऐसे बोला था कि जब भी आप अपनी बाइक की सर्विस कराने जाएं तो हमें ज़रूर याद करिएगा। तो फिर क्या था, बड़े भैया का कॉल आ गया और हम निकल गए सर्विस कराने की ओर। फुल है दुलवाना पड़ेगा ना, फुल है। चलो फिर भैया। आधी दूरी तय करने के बाद जो हमारी बाइक का पेट्रोल था वो हो गया था ख़त्म। अब पेट्रोल डलवाने के लिए हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। तो आइए हम आपको पेट्रोल पंप के दर्शन करवाते हैं। टाइम हुआ है 12 बजे पूरे। यहाँ फोटो क्लिक करेंगे, फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे। क्या है कि यहाँ पे एक फोटो क्लिक करेंगे भैया जी का, हमारा मूड जो है वो बढ़ाएंगे फोटो क्लिक करने का। और कैसे देखना ये बता दे। जो भी हो सो यहाँ पहुँच चुके हैं हमारा जो बुलेट है उसकी सर्विस करवाने के लिए। ऑयल की आ रही है, गर्म है ना, ऑयल से आ रही है। तो भैया 15 से 20 मिनट के बाद जो हमारा बाइक का नंबर है वो लगेगा सर्विस होने के लिए। तो तब तक हम चाय पीते हैं।
भैया बाइक की जो सर्विस है उसका काम कम्प्लीट लगभग हो चुका है, तो बाइक को वॉशिंग के लिए आके भेजा जा रहा है। तो उसको वॉशिंग किस प्रकार होती है वो हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यार लगभग 2 घंटे के बाद जो हमारा बाइक की सर्विस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा बाइक की जो सर्विस है होने के बाद जो हमारा बाइक है वो तैयार खड़ा एकदम बिल्कुल चलने के लिए। तो भैया जो है बिल बनवा रहे हैं, बिल लेने के बाद हम चलेंगे फिर। I found you passing by in cold December. Lost in view, but still your face and your gaze I remember. Looking at the diamonds in your eyes, shining the pale moonlight. Up above into the sky, everything just seems so fine. This is our time. तो यार शाम के वो हो चुके हैं 64:05 और जो व्यू है कुछ यू है। तो अब सूरज भी कुछ ढलने को तैयार है और हम भी अब घर जाने को तैयार हैं। तो इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर हैं, वहाँ भी आप आके हमें फॉलो कर सकते हो। और बाकी हम जल्द एक न्यू वीडियो लेके और आएंगे। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाई।